Good morning, children. Here I am, Kumari Roma, Biology Department from Bhagavad Vidyapeeth. Student, today we are going to study new chapter, chapter 10, Respiration in Organism. So, let's start. In this chapter, we will study about the respiration in human being, respiration in different organisms. आपने बच्चे सेल के बारे में सुना होगा. सेल, सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारा बॉडी या अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी जो है एक सबसे छोटी इकाई जो है बॉडी की, उसको वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा. यानी हमारा, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म आसपास देखते, छोटी से छोटी एंट तक, माइट्स तक, जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी बॉडी जो है अमीबा, जो क्या से बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है. अमीबा यूनिसेल्युलर है तो सेल कहेंगे. और अदर जो मल्टी सेल्युलर जो आप देख रहे हैं, जिनको मॉस्किटोज हो गए, जिसके बारे में आगे पढ़ना है हमें, ना कॉकरोचेज हो गए, तो इन सब की बॉडी कैसे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. इसलिए सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब ये जो सेल है, ये सेल को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. तो ये सेल जो है क्या क्या काम करेगा? यानी जो हमारा बॉडी पूरा ही बॉडी सेल से बना हुआ है, और वो सेल जो होते हैं वो कंबाइंड होके कई, हम जैसे हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है. तो वो सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. फिर वो टिश्यू, कई डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बनते हैं, और वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेन. फिर ऑर्गेन्स, कई ऑर्गेन जुड़ते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सारे सिस्टम जो है कंबाइंड होते हैं, तब एक क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है. तो सेल जो है, इसे एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए. कौन कौन से काम करने के लिए? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, और कई हैं. तो आप यहां देखेंगे कि न्यूट्रिशन तो आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल. ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, एक्सक्रेशन भी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, और रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे. तो ये सारे हैं, बस हमने अभी तक पढ़ चुका है क्या हम लोगों ने? ये न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन अभी पढ़ रहे हैं. तो ये फंक्शन करने के लिए, रेस्पिरेशन, हमारे सेल को क्या चाहिए? एनर्जी. एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी आएगा फूड से. वो फूड जो हम लोग मील के रूप में लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर और बीच बीच में कुछ ना कुछ हम लोग सप्लीमेंट लेते रहते हैं. तो ये जो फूड है, वो जिसको हम खाते हैं, वो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है ना, सिंपल सब्सटेंस में, और उसके बाद वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? वहां से प्रोड्यूस होता है एनर्जी. तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा कब? जब बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, है ना. ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है बेटा, जिसमें फूड मॉलिक्यूल जो हम खाते हैं, है ना, वो क्या होता है? सिंपल पार्ट में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन कहलाएगा. और तब क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है. जब फूड ब्रेक डाउन होता है ना, तब क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है. और वो एनर्जी हमारे सेल्स क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं काम करने के लिए. कौन कौन से काम करने के लिए? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, और कई काम है जिनको हमारा सेल्स जो है वो करता है. तो ये हो गया कि रेस्पिरेशन जो है वो, ये रेस्पायर हम होते हैं. तो हम रेस्पायर होते हैं तो उसमें क्या होता है? होता यह है कि जो सेल को एनर्जी चाहिए वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलता है. क्या होता है उसमें? कि फूड ब्रेक डाउन होता है, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और तब वहां से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही एनर्जी हमारे सेल्स इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में. अब लाइफ प्रोसेसेस यही है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट.
लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीद इन, इनहेल कहते हैं जिसको, ब्रीद इन जैसे सांस लिए हम फिर रिलीज किए, तो इनहेल का मतलब है एयर को, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, इनहेल ऐसे करते हैं ना हम लोग, सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो वो होता है इनहेल। ये यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इनहेल, और ये क्या हो रहा है, एक्सहेल, यानी क्या एक्सहेल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीद इन इनहेल एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स, द सेल इज यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज शुगर इन द फूड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड रिलीज एनर्जी इन द प्रोसेस। क्या होता है, जब हम रिस्पायर होते हैं तो हम ब्रीद इन यानी इनहेल करते हैं कौन सा गैस, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन, ये जो फूड हम खाते हैं, तो फूड जो है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँचता है, सेल्स तक पहुँच जाते हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, अब वो वहाँ पे स्टोर होते हैं और वहाँ पे क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा। क्या ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन द ग्लूकोज शुगर इन द फूड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लूकोज के रूप में स्टोर होते हैं, और वो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, जब ऑक्सीजन मिलेगा, इनहेल किए तो ऑक्सीजन गया हमारे सेल्स तक, अब वहां पे क्या है, ग्लूकोज है ना, शुगर जो है उसके रूप में स्टोर्ड है वो। अब क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होके क्या फॉर्म करेगा, ब्रेक डाउन यानी टूट जाना, टूट के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी फॉर्म होता है, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड एनर्जी फॉर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है, उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो फॉर्म होता है, और वही एनर्जी डिफरेंट फंक्शंस, हमारा बॉडी जो डिफरेंट फंक्शन करता है, वो उस एनर्जी को हमारे सेल्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हमारा बॉडी उस फंक्शन करता है, जैसे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में किसका काम था, नेजल, पूरा हमारा जो माउथ है, ओरल कैविटी से लेके हमारा इंटेस्टाइन तक वर्क कर रहा था, तो सारा ऑर्गन जो है क्या से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। तो यानी कि क्या हुआ कि सेल्स को चाहिए एनर्जी, है ना, क्या करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और ग्लूकोज एनर्जी रिलीज होता है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से इन द प्रोसेस। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ, ये कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन हुआ, ये ऑक्सीजन जो हम लेके गए, तो वो क्या हुआ, सेल में जो ग्लूकोज था स्टोर, वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हुआ, और यानी एक सेल नहीं, पूरे बॉडी में जो होते हैं वहां पे ये फंक्शन होता है, ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, वॉटर बना, और एनर्जी बना। तो वो एनर्जी जो है वो हमारे सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होता है, और जब उसकी जरूरत होती है, जब पूरे दिन की, तो वहां से धीरे धीरे हर एक पार्ट तक पहुंचता है। तो इस तरीके से, और इसको क्या कहेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल का मतलब है इनसाइड, सेल के बॉडी के अंदर हुआ और सेल के अंदर हुआ, तो इंटरनल रेस्पिरेशन। द कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल टू द बॉडी एंड हेंस इट इज नॉट स्टोर्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्रेक डाउन हुआ तो बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हार्मफुल गैस है, और अगर ये लंबे समय तक हमारे बॉडी में रहेगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, पॉइजनस होगा, तो इसलिए ये बॉडी से बाहर आ जाता है। ऑर्गेनिज्म ब्रीद आउट एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136। ओके,
सेल्युलर रेस्पिरेशन, हियर वी विल लर्न टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो कितने टाइप के, जैसे रेस्पिरेशन तो आपने पढ़ लिया कि हाँ रिस्पायर होता है जिसमें फूड, हम रिस्पायर होते हैं, ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है जिसमें फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही एनर्जी ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन जो है दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दो टाइप. क्या होता है ऐसा एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ये एक ही टाइप के क्यों नहीं है, अलग अलग टाइप के क्यों हैं, एरोबिक और एनएरोबिक क्यों हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है. यहाँ देखेंगे, इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म द सेल यूज ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. द रिएक्शन इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज एज फॉलो. देखिए क्या होता है, ये ग्लूकोज जो सेल्स में है इसके साथ क्या मिला, कंबाइंड हो गया प्लस करके ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन. अब इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा. ये एरो यहां देख रहे हैं, तो रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, तो वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, जो पिछले पेज में आप पढ़े थे. तो वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है या बहुत कम होता है, नहीं होता है, जिस उसको कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा. तो उस तरह के भी रेस्पिरेशन होते हैं जो आगे पढ़ेंगे हम एनएरोबिक के बारे में. और एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. अब ये समझने के लिए कि क्या, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके दौरान ऑक्सीजन यूज होता है. हाँ, ये तो हमने थ्योरी में पढ़ लिया, लेकिन कुछ ऐसे आपको प्रैक्टिकल करने होंगे लैब के अंदर, जिससे जानेंगे कि हाँ ऑक्सीजन जरूरी है या क्या के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और उस दौरान यूज होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है. तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि क्या 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 होता है उस एक्सपेरिमेंट में, क्या करना चाहिए, क्या एपरेटस. तो मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल एंड एपरेटस होता है, मटेरियल यानी जो चीज़ें हैं और ये एपरेटस है ये सारे. तो इनको इन किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या एक्सपेरिमेंट है, टू डिटरमाइन दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो मटेरियल रिक्वायर्ड में देखेंगे कॉनिकल फ्लास्क. आप यहां देखें, एक एक फ्लास्क होता है सपोज इस तरीके से हुआ फ्लास्क, ये क्या है, ये कॉनिकल है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, यहां से इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके शेप को कहते हैं कॉनिकल. तो ये एक क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क. वन होल्ड कॉर्क, एक ये इसको कहते हैं कॉर्क, ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ये कॉर्क है जिसमें एक होल बना हुआ है. उसके बाद और क्या चाहिए, अ डबल बेंड ग्लास कैपिलरी, ये ग्लास कैपिलरी ट्यूब है जो डबल बेंड है. डबल बेंड कहाँ से है, एक यहाँ पे बेंड हुआ है और एक यहाँ पे बेंड हुआ है, दो जगह से मुड़ा हुआ है, बेंड है. और इसके अलावे और क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब, यहां देख रहे हैं इंसर्ट किया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है. उसके बाद स्प्राउटेड मूंग, यहां अंदर में देखिए ब्लू जो दिख रहा है वो क्या है, स्प्राउटेड मूंग है, अंकुरित मूंग है ना, वो लेंगे. उसके बाद और लेना है क्या, कास्टिक पोटैश, KOH, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सॉल्यूशन, मरकरी और बीकर, मरकरी भी लेंगे और क्या लेंगे, बीकर लेंगे. तो ये इन सारी चीजों की हमें जरूरत है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए.
ये इस तरीके से एपरेटस को तैयार कर दिया जाता है, सब लगा दिया जाता है और उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क से फिक्स कर दिया जाता है। प्रोसीड्यूर देखेंगे। द स्प्राउटेड बूंग सीड इन द कॉनिकल फ्लास्क, आपको क्या करना है, प्लेस करना है, रखना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या, स्प्राउटेड मूंग। ओके, स्प्राउटेड मूंग कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। प्लेस द कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। कॉस्टिक पोटैश यानी KOH जो है उसको क्या में ले लेना है, ये जो टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं ना उसके अंदर कॉस्टिक पोटैश को रखना है और उसको टाई कर देना है कॉर्क से, बांध देना है। ये अलग है और इसको लटका देना है इसमें और कॉर्क से उसका थ्रेड जो है वो बांध देना है, निकाल देना है बाहर और इसको कॉर्क के सहारे फिट कर देना है, किसके, बेंड ट्यूब को कॉर्क के सहारे उसको फिक्स कर देना है। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट करेंगे कि प्लग द फ्लास्क विद द कॉर्क, यहां कर लिया आपने। इंसर्ट द डबल बेंड ग्लास कैपिलरी ट्यूब थ्रू द कॉर्क इनटू द फ्लास्क एज सोन इन फिगर 10.3 एंड डिप इट्स अदर एंड इन द बीकर फील्ड विद मर्करी। नोट द लेवल ऑफ मर्करी इन द ट्यूब लीव्स द अरेंजमेंट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। ये जो आप देख रहे हैं कि ग्लास जो ट्यूब है उसको क्या कर दिया गया है, बेंड को एक इस तरफ और एक बेंड यहाँ गया। इस बेंड से क्या करना, बेंड वाले जो ट्यूब है उससे क्या करना है कि एक पॉट में बीकर में क्या लेंगे, मरकरी लेंगे और इस मरकरी इसमें से ये जो आपका बेंड ट्यूब है उसको अंदर तक डालेंगे, यहाँ तक डालेंगे जहाँ से पानी इसमें मरकरी जो है वो ऊपर पहुँच सके, वहाँ तक डालेंगे जिस तरीके से आप डायग्राम में देखे हैं। अलग नहीं है, आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब जो है ये इसके ऊपर नहीं है, इसके अंदर है। तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसको बिना डिस्टर्ब किए 2 घंटे के लिए, अ कपल ऑफ आवर्स का मतलब है 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, कुछ छुएंगे नहीं, कुछ डिस्टर्ब नहीं, इधर से उधर नहीं ले जाएंगे, जहां आपने पहले रखा था वहीं इसे रहने देंगे। ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, अब इसको आप 2-3 घंटे बाद जब देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, द लेवल ऑफ मर्करी राइजेस इन द ट्यूब। यहाँ जो मर्करी था ये नीचे था पहले और ये क्या हो गया, राइज ऊपर की तरफ उठ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि जो हमारा स्प्राउटेड मूंग था है ना, मूंग सीड इन द कॉनिकल फ्लास्क एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये लिविंग है, ये क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो लिया और क्या होगा, जब उससे फूड क्या होगा, उसके बॉडी में क्या होगा, ब्रेकडाउन हुआ तो क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, कौन, स्प्राउटेड मूंग, क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो इसमें आप देखेंगे कि KOH है, ये KOH क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा होने से यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, फ्लास्क के अंदर क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इसके एयर टाइट हो गया ना ये, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से मरकरी जो था वो राइज किया, ऊपर के तरफ उठ गया। यहाँ पे और देखेंगे थोड़ा सा बुक से, द कॉस्टिक पोटैश KOH जिसको कहेंगे सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस रिजल्ट इन द पार्शियल वैक्यूम इन द कॉनिकल फ्लास्क विच कॉज द मर्करी लेवल टू राइज इन द बेंड ट्यूब फ्रॉम दिस वी मे इंटर इन्फर द मूंग सीड हैव यूज्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो मूंग तो लिविंग था ही, तो रेस्पिरेशन के दौरान ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज किया, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया फूड ब्रेकडाउन हुआ, क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही फॉर्म हुआ तो इसके अंदर जो KOH है
टेस्ट ट्यूब के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया और ये मर्करी जो है ये लो था, ये बेंट टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ उठ गया। अब यहां देखेंगे एक है क्वेश्चन, मर्करी इज अ हार्मफुल केमिकल, हैंडल इट विद केयर। हमारे लाइब्रेरी में हमारे जो लैब है वहाँ है ये सारी चीज़ें। ये जो आप देख रहे पूरा जो अपरेटस तैयार हुआ है ये सब हमारे यहाँ प्रेजेंट है। तो कभी फिर स्टार्ट होगा अगर हमारा स्कूल तो उसमें हम लोग देखेंगे ऐसा करके। तो मर्करी इज़ अ हार्मफुल केमिकल, हैंडल इट विद केयर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। टिल देन बाय।